गाड़ी कौन सी है जी? ये है जी जैन, मारुति वालों की जैन गाड़ी। अच्छा, ये कौन सा मॉडल है जी? 2001 मॉडल जी। अच्छा, ये भी नहीं ली थी? हाँ जी, अभी नहीं ली थी, मेरे पिताजी के ही नाम है। अच्छा, ये ट्रैक्टर है। हाँ जी, दिखाइए जी एक बार, स्टार्ट करके आवाज सुनवा दो। गैर निकाल लियो, देखो भाई ओरिजिनल आवाज है, मैं सीधी सिलो पे। बहुत बढ़िया जी। बीए फाइनल कर रखी जी मैंने। अच्छा जी, फिलहाल कोई नौकरी तो है नहीं जी खास जी, गांव में ही कर रहे खेती। अच्छा जी, हमारे यहाँ ज्यादातर गन्ना हो रहा जी, गेहूँ है, मुंजी है, बाग भी है जी जी, और उसमें ही कर रहे जी, बस डांगर भी है। बहुत बढ़िया जी, किसान का तो यही है। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज शामली के भट्टू खेड़ी गांव में पहुंचे हैं, ठाकुर अरुण सिंह के मकान पर, जो पूर्व प्रधान भी हैं भाइयों, और उनका मकान दिखाऊंगे आज सारा, उनके कृषि यंत्र भी दिखाऊंगे आपको सारे, और इनका घर घेर जो है सारा है यहाँ पे, सारा कुछ दिखाऊंगे, इनके ट्रैक्टर की जानकारी, और इनसे मुलाकात भी करेंगे भाई से। चलो जी शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना परिचय दो जी थोड़ा सा एक बार। मैं अरुण सिंह, पूर्व प्रधान, गांव भट्टू जी। कौन सी योजना में प्रधान रहे जी? 2000 में जी। अच्छा, 2000 से 2005 तक जी जी। अच्छा जी, तो अपने परिवार के बारे में बताओ जी कुछ। परिवार में मतलब कितने अपने 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 बड़ों के बारे में? हमारे पिताजी और तीन भाई हैं जी, उनके हम पांच लड़के हैं जी। एक हमारे चाचा जी सहारनपुर रहे हैं जी, दो के यहाँ रहे, चार हम चार भाई यहाँ रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, तो किस चीज की खेती कर रहे हैं जी? गन्ने की खेती कर रहे हैं जी, गन्ने की मुंजी भी कर रहे हैं थोड़ी बहुत, ज्यादा गन्ना ही है। अच्छा, बाग वगैरह भी है कुछ में? बाग में है। अच्छा, और ये भाई आप भी अपना परिचय दो। मैं रणदीप, गांव भट्टू से जी। अच्छा जी, बीए फाइनल कर रखी जी मैंने। अच्छा जी, फिलहाल कोई नौकरी तो है नहीं जी खास जी, गांव में ही कर रहे खेती। अच्छा जी, हमारे यहाँ ज्यादातर गन्ना हो रहा जी, गेहूँ है, मुंजी है, बाग भी है जी जी, और उसमें ही कर रहे जी, बस डांगर भी है। बहुत बढ़िया जी, किसान का तो यही है आज। अच्छा जी प्रधान जी जी, तो अब कितनी जमीन बो रहे जी फिलहाल? मैं बो रहा जी 30 बीघे। अच्छा जी। हाँ जी, और पूरे परिवार पे कितनी है जी? पूरे परिवार पे जी 150 बीघे। अच्छा, 150 बीघे है जी। हाँ जी। हाँ जी, फिर तो बांट में इतनी आवे। हाँ जी। तो कुछ बढ़ाई घटाई जी, जितनी पूर्व जोन दी थी उतनी ले रहे? नहीं जी, उसमें बढ़ा रखी हमने 12-18 बीघे। अच्छा जी। हाँ जी, तो फिलहाल फिलहाल जो है गन्ने की और यही खेती है जी, मुंजी की। हाँ जी, गन्ने और गेहूँ की। हाँ जी जी, आ जाओ जी, चलो आप दिखाओ जी अपना घर। ये देखो भाइयों, ये मकान कब बनवाया जी आपने? यू बनाया जी 2014 में। अच्छा जी। हाँ जी, तो कितना टाइम लगा था बनने में इसको? इसके बनने में तो जी लगभग 20-22 महीने में कंप्लीट हो गया था। अच्छा, क्या लागत आगे होगी जी इसमें? लागत तो बहुत है जी इसकी। अच्छा, बताना नहीं चाह रहे। हाँ जी। अच्छा, आ जाओ, ये देखो भैया मकान दिखाता हूँ मैं आपको। ये 2 मंजिला मकान है और ऊपर मोंटी भी है 3 मंजिले पे। अरे देखो जी, इनके साधन है, ये स्प्रे की मशीन भी है भाइयों, नई स्प्रे की मशीन आई थी, मकोड़ा बोल रहे हैं जिसको। अरे ट्रॉली होगी इनकी यहाँ पे। ये इतनी मशीन किस लिए खड़ी जी? ये कंपनी की है जी वैसे तो। अच्छा, यूपीएल की जी? तो यहाँ क्षेत्र में आई थी, वहाँ हमारा भाणजा मैनेजर है। अच्छा जी, उसने इकट्ठी करवाया गया, हमारे यहाँ खड़ी करवा दी। अच्छा, स्प्रे के लिए आई थी? स्प्रे के लिए आई थी जी। तो अब इनका काम नहीं है कुछ? नहीं जी, काम भी हो जा, जो ये छोटी खेती में स्प्रे हुए इनते, जैसे कि आलू है, कपास है, आपका तिल है, चना है जी, सरसों है, उनमें हो जा। तुम्हारे यहाँ तो नहीं है ना उतनी? हमारे यहाँ उनकी इतनी खेती नहीं है जी, तो इस वजह से खड़ी जी।
आ जाओ एक बार अपने पशु भी दिखाओ। ये देखो जी, ये इनके पशुधन है। ये गाय दोगली है जी? या है जी साहिवाल। अच्छा साहिवाल, साहिवाल है। क्या कोई के ब्याह था इसका? इसका खार के का जी। अच्छा खार के ब्यारी। हाँ जी। इसका कहाँ बच्चा? इसका बच्चा मर गया था छोटा सा ही। अच्छा इसका बच्चा मर गया जी। और ये भैंस जी? ये भैंस है जी तीसरे किया तो। अच्छा और एक ऑस्ट्रेलियन है वो? हाँ जी एक ऑस्ट्रेलियन है जी। आ जाओ। अच्छा ये ट्रॉली जो है ये बगैर डालने की, ये गन्नों के लिए डाला उतार दो इसका। हाँ जी है जी, गन्नों के लिए जब डाला उतार दें जी इसका। अच्छा। वह जरूरत पड़े लगा लें। अच्छा दोपहिया ट्रॉली है? हाँ जी। तो गेट की सप्लाई है? गेट की सप्लाई है जी। कहाँ पे? थाना भवन। अच्छा अच्छा देखो जी मकान इनका और ये सारे साधन है। ये मकोड़ा मशीन है, ये तीन चार खड़ी भाइयों इनके घेर में। और ये ट्रॉली है जी, इनके सारे साधन है। अच्छा इंजन, इंजन की मशीन ले रहे हैं जी? हाँ जी। अभी तक इंजन की क्यों ले रहे हैं? इससे ले रहे हैं जी, किसी टाइम काट लो अपने घास, ताजा ताजा घास खुआओ। बिजली के भरोसे घास नहीं चलता सही। अच्छा आप पहला इंजन होगा उस तरह बस ले रहे बना रहे इसको? हाँ जी हाँ जी। ये देखो जी, आ जाओ जी एक बार अपना ट्रैक्टर वो दिखाओ। ट्रैक्टर कौन सा है जी? ट्रैक्टर है जी 1035 मैसी। अच्छा मैसी 1035 है जी जी। हाँ जी 96 मॉडल है जी। आ जाओ फोन बंद कर लो एक बार, ये दिखाता हूँ जी आपको। अच्छा और ये गाड़ी कौन सी है जी? ये है जी जैन, मारुति वालों की जैन गाड़ी। अच्छा ये कौन सा मॉडल है जी? 2001 मॉडल जी। अच्छा ये भी नहीं ली थी? हाँ जी अभी नहीं ली थी, मेरे पिताजी के नाम है। अच्छा ये ट्रैक्टर है? हाँ जी। दिखाइए जी एक बार, स्टार्ट करके आवाज सुनवा दो। गियर निकाल लियो। देखो भाई ओरिजिनल आवाज है, मैं सीधी सिलो पे। बहुत बढ़िया जी, साफ कंडीशन में रख रखा जी अच्छी। हाँ जी बस देखभाल सी रहो जा, टाइम पर सर्विस सर्विस टाइम पर करवाओ जहाँ सही। बढ़िया जी अपना साधन तो संभालना ही है। हाँ जी ये देखो जी। अच्छा ये हिच भी दोबारा लगवा क्या जी इसमें? दोबारा लगवाया जी। हाँ ये तो है, हिच लगवा दिया आपने। और ये दिखाओ अपना ये अंदर से बैठक वगैरह। ये देखो भाइयों ये एक दो तीन, कितनी बैठक है जी यहाँ? तीन कमरे। अच्छा तीन कमरे है जी ये। अच्छा इन्हें कोई से कोई भी इस्तेमाल कर लो, मतलब सारे इस्तेमाल में है? हाँ जी सारे इस्तेमाल में, जिसमें चाहो में बोल जा। अच्छा जिसमें मर्जी आओ जी। ये देखो भाई ये सारा कुछ कंप्लीट कर रखा। ये कौन से सन में बना था जी मकान? ये 2015 में बना जी हमने। अच्छा 2015 में बना था। हाँ जी जी। आ जाओ। और ये दरवाजे किस चीज के लगा रखे जी? ये सागून के हैं जी सब। अच्छा सब सागून के हैं। हाँ जी। हाँ बढ़िया वर्क हो रहा है भाई, बड़ा बरामदा है बहुत ही लंबाई खोली भी बढ़िया है। ये देखो ये अंदर से एक और कमरा है। और ये मच्छरदानी लगा रखी, मच्छरदानी में लेटता हो कोई सा? हाँ जी है जी, यहाँ से लेटता है आपको जी। देखो भाई हो यहाँ जिन्ना जा रहा है इधर से। और ये इस साइड में लेटरिन बाथरूम है जी जी। आ जाओ एक और ऊपर। ये ग्रिल जो है जी ये स्टील का लगवाया? हाँ जी स्टील का है जिन्ने पे जी। ये जिन्ना इस तरीके से ऊपर जा रहा है भाई हो, मोंटी बना रखी। और ये देखो ऊपर भी बिल्कुल खुला मकान बना रखा है। सेम नीचे जैसा ही है जी। सेम नीचे जैसा ही है ऊपर।
अच्छा ऊपर भी है, मतलब 3-4 कमरे हैं। अच्छा ये जो जाली लगा रखी ये किसी, ये अंदर कबूतर बड़े हैं जी। अच्छा ये सामने कबूतर देखो भी बड़े हैं, कितना गंदा रखा। अच्छा जाली से कवर कर रखा है ना बड़े। हाँ जी ये देखो भाइयों, ये सारा कुछ मकान है इस तरीके से भाई का, प्रधान जी का, और गन्ने की खेती कर रहे हैं। और ये इनके साधन है जी सारे, ये सारे कुछ दिखा दिए मन्ना आपको। ये पशुधन है। तो भाइयों ये थी इनकी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।